राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से वापस लौट आई है। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इससे संबंधित सारी गतिविधियों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रस्ताव भेजा है, जवाब आने के बाद उस पर विचार करूंगी। राज्यपाल ने कहा कि विधि सलाहकार से मिले अभिमत के आधार पर उन्होंने शासन को प्रश्न भेजे है, जैसे ही उसका जवाब सरकार की ओर से आता है तो वो उस पर विचार करेगी। राज्यपाल ने बताया कि दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से सौजन्य मुलाकात की। चूंकि प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने क्या कुछ कहा। और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि और उपराष्ट्रपति जी को कि आप छत्तीसगढ़ आइए और हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे इनविटेशन उनके लिए भी दिया था, मैंने भेजा भी था। एक एक्स स्टूडेंट का एक मतलब उनका एक कार्यक्रम होने वाला है, उन्होंने निवेदन किया था। और एक एमटी विश्वविद्यालय का भी दीक्षांत समारोह, और एक मध्य प्रदेश का था। तो एक औपचारिक तौर पर चर्चा की और वो आगे बोलेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जी को भी। तो ये सारी चीज़ें और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सारी गतिविधियों की भी जानकारी दी छत्तीसगढ़ शासन को। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, राज्यपाल जो है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का दिल्ली दौरा था और दिल्ली दौरे से वापस आ चुकी है, और साथ ही आरक्षण को लेकर उन्होंने जो भी प्रश्न किए थे अभी उसका बस जवाब आना बाकी है, जवाब के इंतजार में है वो। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कल देर रात राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे से वापस लौटी है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री से दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। राष्ट्रपति से लगभग राज्यपाल ने एक घंटे अनौपचारिक चर्चा की और प्रदेश की अन्य गतिविधियों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त थे इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। राज्यपाल ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। साइंस कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आने का न्योता दिया है। आरक्षण के बारे में राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सारी गतिविधियों पर की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन से राज्यपाल ने 10 प्रश्नों के जवाब मांगे थे और राज्यपाल ने कहा कि जिस दिन छत्तीसगढ़ शासन 10 सवालों के जवाब दे देगी उस दिन मैं आगे विचार करूंगी। जी, तो बस अब जवाबों के आने का इंतजार है, उसके बाद ही जो है फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से खबर हमने आपको बताई, जहाँ राज्यपाल अनुसुईया उइके का दिल्ली दौरा था, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और आरक्षण को लेकर जो भी उनके सवाल थे उन तक उन्होंने वो सवाल रखे। और अब बस उनका कहना है कि अभी तक जवाब नहीं आए हैं, जवाब वो के आने के इंतज़ार में है वो।